हे गाइस, मैं शिखा और आपने ये कहावत तो सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और तो जापान में ये बात 100% सही है भैया। यहाँ फोटो तो ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं कितनी अच्छी जगह क्या मिल गया, लेकिन जब तुम वहां जाओगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भगवान हम यहाँ क्यों ही आ गए। यार आप कहाँ जा रहे हो? चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजें हैं जो कुछ ज्यादा ही हाइप कर दी जाती हैं। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, हम चले गए फुजिको एफ फुजियो म्यूजियम। वैसे इसका नाम फुजिको एफ फुजियो म्यूजियम है, जो मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रही हूँ, तो हम लोग लेके चलते हैं डोरेमोन म्यूजियम। हम लोग गलत बस में बैठ गए, हम लोग वापस सही बस में बैठने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि भैया एज अ 90s किड आप समझ सकते हो, मतलब डोरेमोन, वाह डोरेमोन, तो मुझे डोरेमोन बहुत अच्छा लगता था, तो कह सकते हो ह्यूज फैन ऑफ डोरेमोन, बट अब नहीं हूँ। तो भैया मैं बताती हूँ, पहले तो हम लोग बैठ गए गलत बस में, मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि हमने देखा ही नहीं है बस कहाँ जा रही है, बस देखा बस नंबर 01 और जाके बैठ गए, और घूम फिर के वापस वो बस उसी स्टेशन पे आ गई। फिर वापस उतरे, फिर चेक करा, अच्छा ये बस तो उधर जा ही नहीं रही है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी बस चेक की और उसके बाद हम लोग पहुंचे जैसे तैसे करके डोरेमोन हाउस। चलो ये सब तो हुई मजाक की बात, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डोरेमोन हाउस कैसा था। छोटा है बट अच्छा है, जाने लायक है। अगर आपके पास कुछ काम नहीं है और आपको 1000 येन ऐसे लग रहे हैं कि यार कहीं तो यूज़ कर लो, तो आप डोरेमोन हाउस चले जाओ। बट अगर आपके पास कुछ काम है और आपको 1000 येन वेस्ट नहीं करने और आपके बच्चे आपके पीछे नहीं पड़े हैं कि चलो 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 चलो, तो एज सच अगर नहीं भी जाओगे तो आपको दुख नहीं होगा, अगर आप ह्यूज फैन नहीं हो डोरेमोन के। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है जापान का डोरेमोन हाउस, फुजिको एफ फुजियो म्यूजियम। लेट्स गो। कहाँ? डोरेमोन के हाउस जा रहे हैं। डोरेमोन के हाउस। हाय हाय। फाइनली हम पहुंच गए हैं और ये इतनी लंबी लाइन यहाँ पे लगी है, बट हम लोग अपने टाइम पे आए हैं तो हमें इस लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ये लोग टाइम से थोड़ा पहले आ गए हैं। अब मैं आपको इसकी टाइमिंग वगैरह बता देती हूँ। वैसे इसकी टाइमिंग है 10 to 6 PM, बट इसके लिए आपको एडवांस रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये तो ट्यूसडे को क्लोज़ रहता है, और अगर ट्यूसडे को नेशनल हॉलीडे है तो ये वेंसडे को क्लोज़ रहेगा, और न्यू ईयर हॉलीडेज़ पे भी ये क्लोज़ रहता है, बट गोल्डन वीक के टाइम पे आप यहाँ पे जा सकते हो। ये जो टिकट है ये आप लॉसन कन्वीनियंस स्टोर से ले सकते हो विद इन जापान, आई लॉसन में जो इनकी लॉपी ऑटोमेटिक मशीन होती है वहाँ से। ये जो आप देख रहे हो ये डोरेमोन हाउस है, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही क्यूट है, बट ये एक्चुअल में वैसा ही दिखता है जैसा हम लोगों को डोरेमोन हाउस वहाँ पे दिखता था। देखो कितना क्यूट है, तरह की फोटो खींचते हैं यहाँ पे। अब कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप गए हो तो देखना बनता है, जैसे जेन्यून स्केच वहाँ पे हैं सारे राइटर्स के, एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है जहाँ पे डोरेमोन की मांगा है, और एक फ्री रीडिंग जोन है जहाँ पे आप पूरे दिन बैठ के मांगा पढ़ सकते हो, मांगा इज़ अ कॉमिक्स, और जो एक वो एनीवेयर डोर है जहाँ से निकल के जाते थे और हम लोग दूसरे दुनिया में पहुँच जाते थे, और बाकी ये छोटे छोटी चीज़ें हैं डोरेमोन के कैरेक्टर्स हैं जो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और साथ में यहाँ पे ये छोटी सी एक वेंडिंग मशीन सी रखी है, इसमें क्या है आप 400 येन डालोगे तो आप डोरेमोन के कैरेक्टर्स ले सकते हो। अब यहाँ पे जैसे तारा ट्राई कर रही है, देखते हैं तारा को क्या मिला है। अब ये इसको करने दो जरा कोशिश। चलो फाइनली इसको मिल गया है, तो देखते हैं अब हमें क्या मिला है इसमें, और हमें मिला है डोरेमोन। रेस्टोरेंट है, गिफ्ट शॉप है, जहाँ पे हर चीज़ आपको डोरेमोन के कैरेक्टर के शेप में ही मिलेगी, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। गिफ्ट शॉप है जहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से गिफ्ट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, डोरेमोन के कैरेक्टर्स की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ तो हम लोग मतलब इसके बाद वापस घर आ गए थे। अरे हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जो छोटा सा फोटो बूथ है यहाँ पे आप फोटोशूट भी कर सकते हो, और ये साइड में एक वेल है छोटा सा, यहाँ पे बहुत देर तक हैंडपम्प चलाओगे तो फिर डोरेमोन के कैरेक्टर्स बाहर आएंगे, जैसे अभी आप देख रहे हो कि जियान बाहर आ रहा है।
जैसे छोटा सा हाउस है ना, रॉय वाले बच्चे की प्ले करता है। बट यहाँ पे भी बच्चे 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा है, दो ही टॉयज हैं, तो बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं। और इसके साथ ही चलो हमारा तो टाइम खत्म हो गया। ये जो क्यूट क्यूट सी बसेस आपको दिख रहे हैं, ये पूरे कावासाकी एरिया में दिख जाएंगे आपको। और इसी क्यूट क्यूट बस के साथ हमारा जाने का टाइम हो गया है घर। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब आप देखो मतलब घर आने की खुशी इतनी ज़्यादा है, इतनी हमें वहाँ जाने की खुशी नहीं हुई थी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।